वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल करने जाने वाला है अक्षय, वो भी रिया से, कि आखिर में प्राची ने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों और प्राची ने क्यों मना कर दिया उससे यहां पर उसके प्रपोजल को। और आने वाले एपिसोड में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहां पर प्राची को एक अलग ही तरीके से रोकने की कोशिश करने वाले हैं अक्षय के पिताजी। और आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार तब बनेगा जब यहां पर अक्षय और उसके साथ साथ रणवीर की मुलाकात होगी। लेकिन क्या होगा खास और क्या यहां पर अक्षय को उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे या फिर नहीं, चलिए उन सभी के बारे में बताते हैं। लेकिन उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर काफी ज्यादा रणवीर परेशान है, इसी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा किसी भी काम पर। बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहा है जो कि उसने देखा था अक्षय को प्राची को प्रपोज करते हुए, जिसके बाद में अब शुरू होता है एक असली ड्रामा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर उन सभी बातों से निकलने के लिए रणवीर जाता है एक पार्क में बैठकर अपने आप को यहां पर नॉर्मल करने की कोशिश करता है, जिसको लेकर वो कोशिश करने में यहाँ पर कामयाब तो होता है। लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पर अक्षय के मन में एक सवाल आता है कि आखिर में प्राची किसी वजह से, किसी बड़ी वजह से यहाँ पर इन सभी बातों के लिए मना कर रही है। उसके यहाँ पर जवाब ढूंढने के लिए, उसको पता लगाने के लिए वो रिया से अब सवाल करने वाला है रिया के पास में जाकर, क्योंकि वो उसकी बहन है और यहाँ पर पूरी तरह से वही एक्सप्लेन कर सकती है कि प्राची के दिमाग में ये सब चल क्यों रहा है और आखिर में प्यार से डरती क्यों है, इन सभी के बारे में वो यहाँ पर जानना चाहता है, जिसको लेकर वो आने वाले एपिसोड में सवाल करते हुए नजर भी आएगा। अब बात आती है एक सबसे बेहतरीन और अलग ही मोड़ की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब अक्षय और एक बार फिर से रणवीर का आमना सामना होने वाला है प्रोजेक्ट को लेकर। प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट हो जाए इसी वजह से रणवीर कुछ यहां पर बोलेगा नहीं अक्षय को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्षय प्राची को लेकर बात करते हुए बार बार नजर आएगा, जिसको लेकर अब रणवीर के दिमाग में चिड़ तो मचेगी ही। और उसके साथ साथ यहां पर रिया एक और सबसे बड़ी बात करते हुए नजर आने वाली है, जिसमें वो अक्षय को कुछ बातें बताने वाली होगी, लेकिन यहां पर वो आधे रास्ते पर ही रुक जाएगी ये सोचकर कि आखिर में रणवीर और प्राची की लाइफ में और भी ज्यादा यहां पर बेकार बात ना हो, इसी वजह से उसे कुछ बताना नहीं चाहिए। जिसके बाद में यहां पर अब अक्षय को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।